The internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar adab shashvikal dosto main hoon dr Paramji, aap dekh rahe hai, doctor education aur this hai kursi hilte hue koi hi. so ivf एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है इन विट्रो का मतलब है कि शरीर से बाहर आपके शरीर से बाहर आपके बच्चों के लिए स्पर्म और ओवम को मिलाया जाएगा उसको कहते हैं आईवीएस कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थिंग्स इन क्यों कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देखो ऐसा है ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में बहुत सारा एक एक दो दो किलो चावल पड़ा है दो दो किलो दाल पड़ी है और तो उसमें से उसको मिला के बाहर खाना है ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो है नहीं कभी भी बना लो है ना यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि फ़ीमेल के अंदर आई की बात तभी आती है जब उनका नेचुरली नहीं हो पा रहा ठीक है और <coughs> क्या नहीं हो पा रहा प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही ठीक है कई लोगों का कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं मगर प्रेगनेंसी बाकी सब ठीक है मतलब मेल में कोई और इशू नहीं है कोई ऐसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है कोई और दूसरी इशू नहीं है सब कुछ ठीक है लेकिन प्रॉपर सेक्स भी हो रहा है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही छः महीना साल भर प्रॉपर कर लिया चाह रहे हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आईवीएफ के बारे में सोचा जाता है आईवीएफ का खर्चा भी खूब सारा आता है और दिन पर दिन उसका खर्चा जो है बिल्कुल पेट्रोल के दाम के जैसा बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा पॉइंट इज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करेगा अगर खासकर अगर आपको नहीं हो पा रहा चाहे वो आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है चाहे वो आपके अंदर यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है या आपके अंदर कोई ओवरीज में प्रॉब्लम है या फीमेल में मेल में कहीं कही ना कहीं जुगाड़ होता है यूट्रस में प्रॉब्लम है तब तो फिर सरोगी भी जरूरत पड़ जाएगी बट डेन क्योंकि आई में क्या होता है वो बाहर से ऐसा स्पम को लेते हैं एग को लेते हैं ऐसा मिलाते हैं ऐसा जाइकोड बनाते हैं और जयगोड लेकर ऐसा यूट्रस में डाल देते हैं कि चलो यूट्रस में माता जी के वोम में आप ग्रो करो ठीक है अब आपको ग्रो करना है और क्या करते हो आईवीएफ में ऐसा एक को नहीं डालते सिर्फ दस दस को डाल देते चलो दस दस में से दो ग्रो कर चलो ठीक इसलिए आईवीएफ में दो दो ग्रो करते दो दो बच्चे ट्रिपलेट डबलेट कुपलेट ऐसा होता एक एक डालेंगे तो एक तो ऐसे निकल अरे यार ये क्या होगा फिर कराओ लाख रुपए दो लाख रुपए सो तो इसीलिए वो लोग क्या करते है? दस दस डाल देते <coughs> बेसिक चीज है राइट मेचोर एग्स आपके अंदर से निकाल लेंगे मेचोर वाले चाहिए एकदम मस्त पके हुए ठीक है और फिर उसके अंदर आ, मेल के सीमेंट से स्पर्म्स निकाल के उसको आईवीएफ करें सो आई वी ये है बहुत बढ़िया है मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है वन ऑफ द मोस्ट उससे भी ज्यादा एक दो फॉर्म्स और है मैंने पहले बताया था बट डेन आईवीएफ के आगे नहीं जाएंगे आज के आज के डेट के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करना काहे पड़ेगा किसको करना पड़ेगा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सबसे पहली इम्पॉर्टेंट तो किसको करना पड़ेगा भाई पहले समझते हैं एनाटॉमी राइट right, आपकी ओवरी है ओवरी का एक हाथ है दूसरा हाथ है यहाँ पे एक ओवम ओ सॉरी ओवरी यूट्रस है यूट्रस में ओवरी है दो हाथ है तो ओवरी से यहाँ से ऐसा एग निकल के आता मान लो कि वो फेलोपियन ट्यूब पुच्छ से टेढ़ा है फेलोपियन ट्यूब टेढ़ा है फेलोपियन ट्यूब डैमेज है दोनों फेलोपियन ट्यूब में इंफेक्शन हो गया डैमेज हो गया तो ओवरी से एग जो है निकल के यहाँ आता ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं इफ दैट इज अ प्रॉब्लम आईवीएफ ही करना पड़ेगा फिर देर इज something कॉल्ड एज आई यू आई इंटरा यूटराइन इन सेमिनेशन नावल क्या होता है जब सेक्स करते हैं तो यूटरस के नीचे सर्विक्स उसका जो एंड है लोअर एंड को सर्विक्स बोलते हैं सर्विक्स के नीचे मस्त लंबा वेजाइना होता है तो जब सेक्स करते हैं तो जो स्पर्म आता है वो वेजाइना में गिरते हैं फिर उनको मस्त तैर के जाना पड़ता है मस्त बढ़िया सफर तय करना होता है ऐसा कंधे में पोटली लेके मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा सारे लोग और वो तैर करते हैं सफ़र तय करते हैं अगले एक दो दिन का जितना टाइम उसको लगता है और उसके बाद जाके वो मिलते हैं कि चलो <coughs> फ़तेह हासिल हुई है एग मिला है सब तोड़ो फिर एक घुस जाता है बोले मेरा नंबर आ गया है अब ये मेरा है और सब बाकी सब जो है मर जाओ सो so, ये बेसिक होता है एग और फर्टिलाइजेशन के बारे में सो so, <coughs> अब इसमें क्या है आई का मतलब है कि अगर तैर नहीं पाड़े कमज़ोर लोग हैं पोलियो हो रखे हैं चल नहीं पा रहे आपके वे... क्या बोलते हैं उसको सीमेंट में स्पम्प्स तो वो उसको क्या करते हैं वो सीधा अंदर ऐसा इंजेक्शन से यूट्रस के अंदर जाके डालते हैं इंट्रा यूटराइज इनसेमिनेशन कि चलो भाई तुम का हम ट्रैवल करा देते हैं तो वो ट्रैवलिंग पार्ट हो गया उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगता है आपका जो भी तीस चालीस हजार पचास हजार पता नहीं अपना अलग अलग रेट है आई एम नॉट अ गाइनोकोलॉजिस्ट आई डोंट डू इट ओके आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन सो आईवीएफ मीन्स इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो करेंगे अगर वो रास्ते में ओवर आ ही नहीं सकता मिल ही नहीं सकता या ओव्युलेशन डिसऑर्डर है ओव्युलेशन होता ही नहीं है तो ओवरीज में घुस के ओवरी से एग बाहर ही नहीं आ रहा तो ओवरी में घुस के एग निकालेंगे काम हो जाएगा <coughs> या फिर कुछ इशू इशू है कि वहां तक एग पहुंचता ही उसको डैमेज कर दिया जाता है एंडोमेट्रोसिस है कुछ है ऐसा कोई है फाइब्रॉइड है रस्ते में रोक रहा है ट्यूबल स्टरलाइजेशन हो रखा था या कोई और इश्यू था ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं राइट right? और इवन स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो भी आई कर सकते हैं अनएक्सप्लेन कुछ नहीं पता बस प्रेगनेंसी हो नहीं रही है मल हम इतने काहे बट हो नहीं रही है तो भी कर सकते हैं कोई जेनेटिक डिजॉर्डर है तो भी कर सकते हैं और अल्टीमेटली ऐसी चीजें हैं जो आई की बात है तो आई इज वेरी सिंपल बट अ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स चीज है छोटे से एग में से घुस के निकालो फिर उसके बाद में उसको <coughs> उसमें से उसको डैमेज नहीं होने दो बच्चा बढ़ेगा बड़ा उसका ऐसा कोई जेनेटिक डैमेज नहीं होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए प्रो, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर व्यवस्था डेलिकेट चीज़ें इन्वॉल्व ठीक है उसमें इश्यूज़ क्या हो सकते हैं मल्टीपल बर्थ नंबर वन दो बच्चे तीन बच्चे चार बच्चे एक बार में काम ख़त्म दोबारा प्रेगनेंसी का टेंशन नहीं है कि नहीं और <laughs> सो सेकेंड <coughs> लो बर्थवेट प्री मेच्योर बच्चे ऐसा हो सकता है कई बार ओवरी इन हाइपर स्टिमुलेशन अपना मिस मिस कैरेज हो सकते हैं कई बार एग निकालते हुए डैमेज हो जाए ओवरी में ब्लीडिंग हो जाए इन्फेक्शन हो जाए इंटेस्टाइन्स को लग जाए कभी कुछ भी हो सकता है देखो ऑपरेशन होता है तो प्रेगनेंसी जो है यूट्रस में हो रही है तो ठीक है बाहर होगी तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फेलोपिन ट्यूब में हो रही है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी पेट में जाके हो रही है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो भी अपने आप में डेंजरस चीज़ होती है वो भी होता है और येस ऐसा नहीं है कि बर्थ डिफेक्ट नहीं होते बर्थ डिफेक्ट भी हो जाता है खासकर अगर एज ऑफ मदर ज़्यादा है मदर पैतीस पैंतीस पैती साल की है अड़तीस साल की है अब इतना उम्र में है तो वैसे ही बर्थ डिफेक्ट के चांसेस हैं प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, आपने कहा आई कराएंगे रिस्क है मगर है ना ऐसा है तो वो हो जाता है कैंसर का भी रिस्क होता है बट नॉट बिकॉज ऑफ आई बट अभी ये क्या है कि बार बार अगर हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं एग ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं तो उन दवाइयों से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्क बढ़ सकता है कैंसर का बट इट्स नॉट रियली रियलीन इनिशियल स्टडीज में देखा गया है एंड अल्टीमेटली सबसे बड़ा चिंता चिंता तो है ही स्ट्रेस तो है, है ही स्ट्रेस है तभी कर रहे हो बच्चा चाहिए तभी कर रहे हो है ना सो <coughs> so ये सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आई का काहे कराना क्यों कराना अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए कितने का आता हर शहर में अलग रेट है हर हर हॉस्पिटल में अलग डॉक्टर का अलग रेट है ठीक है <coughs> मगर उससे पहले ज़रूर है अपना टेस्ट टूस करा लीजिए कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है यहाँ प्रॉब्लम है कि वहाँ प्रॉब्लम है अगर सिर्फ पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज टाइप चीज़ है तो पहले दो महीने लगाइए दम लगा के पतले हो जाइए फिट हो जाइए फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है अगर आप ऐसा है डूबती हुई कश्ती में तो आप पैर भी नहीं रखोगे है कि नहीं सीधी सी बात है अगर तो टाइटैनिक डूब रही है तो फिर तो नहीं बोलोगे बड़ी छत बड़ा 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 टाइटैनिक में जाके मैं नहीं टाइटेनिक डूब रही है तो पहले उसको ठीक करो है ना डूबने मत दो सीधी बात है ये आपका शरीर है आपका शरीर अगर इतना मोटा है और पॉलिसिस्टिक है और ये मतलब एक्सरसाइज नहीं करते और पानी नहीं पीते और डायबिटीज़ और रखा और इंसुलिन रेजिस्टेंस है और फिर आप आई कराने का सोच रहे ठीक है।, है यार कराओ बट ऐसी डूबती ये डूबती नैया है ये डूबती नैया में फिर बच्चे को बोलोगे नौ महीने रहें और तुम भी डूबना नहीं तुम एकदम हेल्दी रहना तो ऐसा थोड़ी होता है ना फर्स्ट गेट योर सेल्फ ए लिटिल फिट यार थोड़ा सा है ना घर की मरम्मत करोगे ना पहले नई दुल्हन को लाने से पहले भी घर की मरम्मत है ना छत गिरी हुई है थोड़ी कोई दुल्हन शादी करता है है कि नहीं सो so, बच्चे के लिए कहा है सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ दिस इज अ मैसेज टू एवरी सिंगल वुमन हु डज नॉट एक्सरसाइज हु इज अ लिटिल बिट ओबेस हु इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हु वॉन्ट्स टू गेट प्रेगनेंट सो फर्स्ट दो महीने तीन महीने डेडिकेटेडली एक हेल्दी लाइफ में तो कदम रखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल में कदम रखिए फिर ये कदम रखिए दैट्स ऑल प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी